प्रथम तहलका न्यूज। मरीजों की बीमारियों को ठीक करने वाला ये नागरिक अस्पताल आज खुद बीमारी की हालत में है। बदहाली को बयां करती ये तस्वीरें पलवल के नागरिक अस्पताल की है, जहां न सिर्फ कूड़े और गंदगी का ढेर है, बल्कि यहां पर सीवरेज के गंदे पानी के लीकेज की समस्या बीते कई महीने से बनी हुई है। अस्पताल के खस्ता हालत तब है जब प्रदेश में कोरोना का कहर बरप रहा है, बल्कि अब तो सितंबर के महीने में चिकनगुनिया और डेंगू जैसे मामले भी सामने आते हैं। अस्पताल परिसर में बने सरकारी आवास में रह रहे लोग न केवल गंदगी के ढेरों से परेशान हैं, बल्कि सीवरेज की लीकेज से परेशान होकर खुले में शौच जाने के लिए भी मजबूर हैं। हम यहाँ सीवर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। पब्लिक हेल्थ के जेई साहब को मैंने पर्सनली नंबर लेके फोन भी किया था और वो आए भी थे, लेकिन वो आकर के ये कह गए कि कोई लैट्रिन साफ करने वाली मशीन खुल नहीं रही या मशीन आएगी। आज उन बातों को 2 महीने हो गए हैं जी, कोई मशीन आई नहीं है। SMO ऑफिस में भी हमने ओरली बताया है उनको कि मौखिक तौर पे कि हमारे यहाँ सीवर रुके हुए हैं, तो SMO सर ने बताया है डॉक्टर मैम ने कि हमने शिकायत भेज रखी है एक्शन ऑफिस में, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। कब से ये समस्या बनी पड़ी है? 2 या 3 महीने से तो बिल्कुल इतनी बुरी तरह से ओवर फ्लो है। 5 बजे से पहले कोई लैट्रिन कर सकता है, उसके बाद कोई लैट्रिन नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले 8-7 महीने से कंटिन्यू ये परेशानी है। किस तरह की परेशानी हो रही है इस समस्या? परेशानी ये है कि पंप मार के एक बच्चा भी जाएगा, पंप मार के वो 5 बजे लैट्रिन जा सकता है, उसके बाद नहीं जा सकता। गड्ढा खोदो कहीं भी, वहाँ कराते हैं इधर उधर, और मतलब बैक्टीरिया फैल रहे हैं, लीकेज हो रही है, बदबू आती है, घूम भी नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में जगह जगह सीवर है, कहीं घूम भी नहीं सकते। क्या आश्वासन? शिकायत एक दिन की थी, 20-22 दिन पहले आया था एक बंदा यहाँ पे, बस वो देख के चले गए। 2-3 बंदे लेके आया था, उसने उसके कोई कार्रवाई नहीं करी। कहाँ शिकायत की थी, कौन आया था? वो कौन था प्रवीण? वो एक बंदा आया था जो अभी आए थे, 2 बैग लगता है, जय आया था जी। इस गंदगी के चलते स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को बीमारी की चपेट में आने का भी खतरा बना रहता है। पीड़ितों की माने तो इस अव्यवस्था की सुनवाई पिछले कई महीने से नहीं हो रही। हालांकि इसकी शिकायत भी वो संबंधित विभाग के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इन सब के आज तक उनकी समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के कैंपस में रहते हैं, करीब पिछले दस सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये जो बिल्डिंग है ये काफी जर्जर हालत में है, हर बार हम अपने आप इसकी वाइट वाश रिपेयरिंग वगैरह कराते रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही वो हमें इसकी आ रही सीवर की। सीवर भर जाते हैं, ओवरफ्लो होते रहते हैं, बहुत गंदगी में जीने को मजबूर है हम यहाँ पे। तो और यहाँ पे कई बार हमने अपने खर्चे पे ये साफ भी करवाए हैं, और इसकी कंप्लेंट हमने हॉस्पिटल में भी दी है CMO साहब को लिखित में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और सभी उससे बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं घर में, सांप वगैरह निकल आते हैं। आपको बता दें कि बीते सप्ताह से ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बीमारियों से बचने के लिए कई तरह की सलाह दी थी, लेकिन लगता है कि विभाग खुद अपने अस्पताल की बीमारी को ठीक करना भूल गया। हैरानी की बात तो ये है कि पूरे जिले की जिम्मेदारी देखने वाले स्वास्थ्य विभाग अपने इस अस्पताल को कैसे भूल गया। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।